बिहार के दो लेजेंड आ गए हैं एक साथ। जी हाँ, रिलीज हो गया है हनुमान चालीसा का ट्रीजर, जिसमें हनुमान चालीसा जब शुरू होती है तो दोहा पढ़ते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और फिर उसके बाद शुरू होती है हनुमान चालीसा, और इसमें अपनी आवाज़ दिए हैं भाई भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर पवन सिंह ने। आपको बता दें कि बीच बीच में शत्रुघ्न सिन्हा भी अपनी आवाज़ देते नज़र आएंगे और उनकी आवाज़ की बुलंदी को आप समझ सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा को मधुर से और मधुर बनाया है पवन सिंह ने। जी हाँ, पवन सिंह की आवाज़ बहुत ही बेहतरीन लग रही है। आपको बता दें कि जब इसके बारे में पवन सिंह से पूछा गया कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की, तो पवन सिंह ने ये कहा कि हनुमान चालीसा को प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा जानता है, और सभी जानते हैं कि जब भी आपके जीवन में विपत्ति आती है तो हनुमान चालीसा को पहले पढ़ा जाता है। मैं भी हनुमान चालीसा को पहले ही पढ़ता हूँ, और साथ ही मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो इसके लिए मुझे हनुमान चालीसा की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी। हाँ, जिस हिसाब से मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने धुन बताई, बस मैंने उसी धुन में हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ है। वैसे पवन सिंह ने यहाँ पर यह भी बताया कि वैसे तो वो रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन वो हनुमान जी का दर्शन करना नहीं भूलते, और साथ ही साथ ऐसा पहली बार मौका आया है जब मैं अपनी आवाज़ में हनुमान चालीसा लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। वैसे आपको बता दें, हरिहरन की हनुमान चालीसा, अमिताभ बच्चन की हनुमान चालीसा, और अब पवन सिंह की हनुमान चालीसा। जी हाँ, हनुमान चालीसा को तो वैसे कई लोगों ने गाया है, लेकिन हरिहरन की हनुमान चालीसा को लोग बहुत पसंद करते हैं, और उम्मीद है कि अब पवन सिंह की हनुमान चालीसा को भी लोग बहुत पसंद करेंगे। वैसे इस हनुमान चालीसा का ट्रीजर रिलीज हो चुका है अपनी धुन यूट्यूब चैनल पर, तो अगर आप सुनना चाहते हैं पवन सिंह की मधुर आवाज़ को, तो भाई जाइए और सुन लीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।